मंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बयान है, बड़ा प्रसिद्ध बयान था जी, कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का और माइनॉरिटी में भी मुसलमानों का है जी। अब जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आती है तो संसाधन से ही होगी जी, सरकार उसको लोगों की संपत्ति को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो। और मैं कहता हूं कि अगर ये सच नहीं है तो कांग्रेस पार्टी बताए इसका मतलब क्या है। नहीं, वो कह रहे हैं, राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि अगर जो है वो लोग सरकार बनाएंगे तो एक नेशन में नेशन वाइड एक्सरे होगा जिससे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस लोगों का पता किया जाएगा, किस वर्ग किस जाति के पास कितनी दौलत है, कितना धन है, इंस्टीट्यूशंस में कितनी भागीदारी है, और उस हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस हिसाब से रीडिस्ट्रीब्यूशन में इनकी प्रायोरिटी तय है, वो कहते हैं इन इक्वालिटी को खत्म करने का यही तरीका है, वो उनकी समझ है। मुझे लगता है इतनी पुरानी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो माइनॉरिटीज और एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी वाले लोगों को आउटसोर्स किया है। तो जो मंगलसूत्र की बात है वो कहां से आती है, वो इसी का एक स्वाभाविक रूप से जब वेल्थ आती है तो सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो स्त्रीधन हो गया, लोगों के पास जो जितनी जमा पूंजी है वो हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। इनहेरिटेंस टैक्स की बात की थी सैम पिट्रोडा जी ने, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सैम पिट्रोडा एक आइवरी टावर में जी रहे हैं, इनको इस देश के संस्कार, इस देश की जनता का मूड और इस देश की परंपराओं से कोई लेन देन नहीं। तो आप कभी नहीं लाएंगे इसको, इनहेरिटेंस टैक्स को, विरासत टैक्स कभी नहीं लाएंगे? हमने हमारा संकल्प पत्र जनता के सामने पारदर्शिता के साथ रख दिया, इसमें सारी बातें, हम कुछ छिपा कर नहीं करेंगे। एक और बात जो है जो चर्चा में है इस वक्त वो ये है कि मैनिफेस्टो को कांग्रेस के देखते हुए आप लोग कह रहे हैं कि ये ओबीसी रिजर्वेशन को काटकर मुसलमानों को दे देंगी, इसका इस मैनिफेस्टो नहीं, ये कर चुके हैं जी। कर्नाटक में उनकी सरकार थी, रातों रात कर्नाटक के सारे मुसलमान को बैकवर्ड बना दिया, ना बैकवर्डनेस का सर्वे हुआ, ना कोई कमीशन बना, धर्म के आधार पर सारे लोगों को बैकवर्ड घोषित कर दिया और उनको रिजर्वेशन भी दिया। अब ये रिजर्वेशन जो कटा वो ओबीसी का ही कटा है। इसी तरह से आंध्र प्रदेश में, संयुक्त आंध्र में जब उनकी सरकार थी, मुसलमानों को रिजर्वेशन दे दिया। तो ये किसका कटता है? एसटी एससी ओबीसी का ही कटता है। जब ये बात मैंने कही कि हम ये धर्म के आधार पर रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे तो मेरे वीडियो को तोड़ मरोड़ कर जनता के सामने पेश किया जी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया। राहुल गांधी के राजनीति के अंदर कांग्रेस की कमान संभालने के बाद राजनीति का स्तर सतत सातत्यपूर्ण तरीके से राहुल गांधी गिरा रहे हैं। संसद में आप बहस नहीं कर सकते हो, शोर शराबा करना, बहिष्कार कर देना, बोलने नहीं देना, डिबेट में हिस्सा नहीं लेना और बाहर निकलकर प्रेस करना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। क्या समझते देश की जनता को? देश की जनता ये सब नहीं जानती है? देश की जनता ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से जानती है। लोकतंत्र में हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और आप लोग भी उनको कुछ नहीं पूछते हो जी। आप लोगों को भी पूछना चाहिए, मगर आप लोग सवाल हमें ही पूछते हो, उनको नहीं पूछते। नहीं, जरूर उनसे भी पूछ रहे हैं हम लोग, हमारी टीम लगी हुई है। एक बात जो है कास्ट सेंसस की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, कास्ट सेंसस की है, उसके बारे में वो बात करते रहते हैं, कहते हैं जितनी आबादी उतना हक, इसको आप कैसे देखते हैं? कितने साल तक इस देश में कांग्रेस का शासन रहा? 55 साल तक रहा, कभी नहीं कराया। अब जब लगातार हार रहे हैं तब ये सारे चीजों को वो बोल रहे हैं, इनकी मनसा नहीं है। इस देश में पिछड़ा वर्ग विरोधी कोई पार्टी है तो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। काका साहेब कालेलकर कमीशन को इन्होंने सालों तक ओपन ही नहीं किया जी। मंडल कमीशन को दबा कर रखा जी। सेंट्रल के इंस्टीट्यूशन में ओबीसी को, पिछड़ा वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन नहीं दिया। जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, विपक्ष के नेता के रूप में राजीव गांधी ने 2 घंटे का विरोध का भाषण करा है। राहुल गांधी ने जरा वो भाषण पढ़ लेना चाहिए। और हमने तो
देश को सबसे सफल प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से और गरीब के घर से पैदा हुआ नेचुरल लीडर नरेंद्र मोदी हमने देने का काम किया है। नैरेटिव बनाने की ये कोशिश है कि 400 पार अगर आ जाएगा तो बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन आप चेंज करेंगे, उसके बाद फिर ओबीसी एससी एसटी के जो है रिजर्वेशन के संग आप लोग कुछ वो बदलाव करेंगे। देखिए नैरेटिव बनाने की कोशिश, राहुल जी हमारे पास 10 साल से बहुमत है जी, संविधान बदलने की क्षमता नरेंद्र मोदी जी को 10 साल से इस देश की जनता ने दी है। हमने क्या किया 10 साल, हमने कभी रिजर्वेशन को समाप्त करने का अटेम्प्ट नहीं किया, हमने ये बहुमत का उपयोग धारा 370 हटाने में किया, ट्रिपल तलाक समाप्त करने में किया, यूसीसी लाने में किया, अंग्रेजों के कानून बदलने में किया, कश्मीर के अंदर शांति करने में किया। हमारे पास 10 साल से अधिकार है। राहुल गांधी का एक रूल है, झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो, वो रूल को वो फॉलो कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये नैरेटिव इसीलिए इसी बार बार बोलते हैं नहीं बनता है नैरेटिव, हम 10 साल से अधिकार प्राप्त किए जी। आपने सिक्योरिटी की बात की तो मैं थोड़ा सा इस पर भी बात करना चाहूंगा कि आपने कहा है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने बहुत क्या कहते हैं नक्सल पे क्रैकडाउन किया, आपने कहा है कि 2-3 साल में छत्तीसगढ़ में भी आप इसको समाप्त कर देंगे नक्सलियों को, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि ये मार्टर हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जिसका खराब समय होता है प्रभु राम सबसे पहले इनकी मति हर लेते हैं। कांग्रेसियों के साथ भी शायद यही समय आ गया है। हमारे जवान अपनी जान जोखिम में डालकर घने जंगलों के अंदर ऑपरेशन कर नक्सल्स को मारते हैं और नक्सल कहते हैं कि हमारा कैडर मारा गया है और कांग्रेस पार्टी कहती है फेक एनकाउंटर है जी, भगवान ही बचाए इनको, भगवान भी शायद नहीं बचा सकता। आपके पिछले कार्यकाल में आप लोगों ने काफी बड़े काम किए, आपने आर्टिकल 370 को रद्द किया, आपने सीए को इम्प्लीमेंट किया, क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ लाए, आपने तमाम इस तरह के बड़े काम किए, पर अगर आज आप ऑपोजिशन को देखें तो काफी ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि जो है ये जो 370 को जो है वो वापस लाएंगे, कहते हैं सीए हम इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे, और सारे बड़े नेता ममता बनर्जी चिदम्बरम जी ये सब इस तरह की बातें करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए इनके माइनॉरिटी के वोट प्राप्त करने का टोटका है, उनको न सत्ता में आना है न 370 को वापिस आना है, न उनको सत्ता में आना है न सीए रद्द होना है, उनको भी मालूम है, मगर वो माइनॉरिटी एपीसमेंट कर माइनॉरिटी के वोट अंकित करना चाहते हैं, एकमात्र कारण से झूठ फैला रहे हैं। मैं इस इंटरव्यू में देश की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं राहुल जी, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद संसद में जब तक है 370 फिर से नहीं आ सकता, सीए समाप्त नहीं हो सकता। अब ये इतिहास का हिस्सा बन चुका है 370 और सीए वास्तविकता बन चुका है। सिर्फ आपने इसको जल्दीबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया कि इससे कुछ नागरिकता भी लोगों को मिलेगी, और ये कब तक पॉसिबल होगा, इसका क्या टाइम फ्रेम है? देखिए एप्लीकेशन आना शुरू हो गया है, रूल्स के हिसाब से इसकी स्क्रूटिनी हो रही है, मुझे लगता है चुनाव के पहले ही मतलब अंतिम मतदान के पहले ही नागरिकता देने की शुरुआत हो जाएगी। आप लोग अमित जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, कांग्रेस जो है पर्सनल लॉस की बात कर रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये वोट कहीं ना कहीं आप लोग अपना अपना वोट साध रहे हैं। अपना अपना वोट नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे संविधान का मैंडेट है जी, गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत जो संविधान ने हमारे लिए बनाए उसमें लिखा गया है कि देश के विधानमंडल और देश की संसद में उचित समय पर यह प्रयास करना होगा कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। मुझे लगता है उचित समय आ गया है, और यह आज से हम नहीं कह रहे जी, हमारी पार्टी बनी इसके पहले घोषणा पत्र में था कि देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना। अगर ये देश पंथ निरपेक्ष है तो धर्म क्या